हम लड़कियां ये फैसले तो नहीं ले सकते कि हमारा बाप कौन और कैसा होगा, लेकिन अपना हम सफर हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस मर्द को मैंने अपनी मर्जी से चुना वो भी मेरा भरोसा तोड़ के भाग जाएगा। देखो फराब, मेरे नजदीक शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि मैं इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। क्या तुम्हारे लिए शादी सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, तो तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इसमें क्या गलत कह रहा हूं? यानी शादी तुम्हारे लिए कागज पे लिखे हुए दो लोगों के सिग्नेचर का नाम है? इस रिश्ते में दिल और जज्बात कुछ शामिल नहीं होता? दिल, जज्बात? तुम्हें क्या लगता है कि अरूप के लिए मेरे मेरे अंदर जज्बात खत्म हो गए या उसके दिल में मेरी जगह खत्म हो गई? एक्सीडेंट के बाद भी जज्बात भी थे, दिल भी था, लेकिन सिर्फ उसके दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया। और फिर अब हमारी शादी एक कागजी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और रह क्या गया? और आखिर में हम दोनों सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से आज तक मियां बीवी। यहां मेरी बात हो रही है मिस्टर एस, और मेरे पास दिल भी है और दिमाग भी, और गालिबन आपके पास भी दिल और दिमाग है ना, तो फिर हम ये शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर ये शादी ना हुई तो मामा को सदमा होगा और मेरा दिल ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर एसन यार, तुम बार बार ये बहस क्यों शुरू कर देती? हमारी शादी के कार्ड बन चुके हैं ना, जरूरी तो नहीं है ना कि हर किसी की लव मैरिज ही हो। अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, और जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दिल और जज्बात भी मिल ही जाते हैं। और ना मिले तो? भाई देखो, इतना अरसा तो आप किसी पेट के साथ भी रहे तो उससे भी लगाव हो जाता है। पेट खुद को कह रहे हो ना तुम? ऑब्वियसली खुद को कह रहा हूं, तुम्हें कह के मरना है मैंने। जैसी ये गुड़िया वैसे तुम भी मेरी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बा, आजा इधर बैठ, मैं तेरे लिए खाना ला दूँ। आजा बैठ जा। तो भाई क्या हो रहा है? आज सिर्फ ये माधुरी है, खादिम नजर नहीं आ रहा। खादिम गद्दा है बहुत ज्यादा, उसको हमने कमरे में बंद कर दिया। क्यों, वैसे क्या किया उसने? वो कहीं माधुरी को घुमाने नहीं लेके जाता। ओ हो, बड़ी बुरी बात है ये, तो फिर मैं घुमाने लेके जाता हूँ ना इसे? इसको तो खादिम डॉल घुमाने लेके जाएगी ना, आप थोड़ी लेके जाएंगे। अच्छा, तो फिर ये बता दो कि मुझे किसको लेके जाना है घुमाने? आप मुझे लेके जाएंगे? हाँ चलो, अभी चलते हैं। चलो चलो। अब बस ये अम्मा खाना लाती ना, फ्रेश करूँ, चलते हैं। बेटा खाना। हाँ। बेटा वो ताई आई थी, कह रही थी कि शायद बच्चा नॉर्मल ना हो सके, इसलिए एक बार किसी डॉक्टरनी से मशवरा ही कर लो। डॉक्टर से? हाँ बेटा, भली माई थी, कह रही थी चार पैसों की खातर मैं माँ और बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। अच्छा ठीक है, अम्मा मैं पूछता हूँ किसी से, लेडी डॉक्टर का। अच्छा चलो ना, उठो चले। कहाँ चले बेटा? हाँ वो अम्मा ये बोल रही थी कि यहीं कहीं घुमा के ले आओ, तो चक्कर दिला के आ जा तू। अच्छा चले ना। आस्ता धिया आस्ता, बेटा ख्याल कर। अच्छा अम्मा मैं इसको घुमा के ला तो चले। पर बेटा खाना तो खा कर जाओ। खाना खा लेंगे अम्मा, यहीं तो जा रहे हैं। हाँ चले, पहले चलते हैं ना। जैसे आपकी मर्जी बेटा। अम्मा आप भी चले। जी करे माँ, आप लोग जाओ घूम फिर के आओ, फिर कभी से। ओके चलो 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 चलो। अरे
60 लाख रुपए? कैटल फार्म पे इतना खर्चा क्यों किया जाए? सर मेरे हिसाब से कैटल फार्म को मॉडर्न तर्ज पर चलाने के लिए कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बाकी आप मर्जी के मालिक हैं। पहले ही मैंने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आमदनी ना होने के बराबर है। तुम कह रहे हो कि मजीद खर्चा किया जाए, क्यों? देखिए सर, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कम से कम 18 से 20 लाख रुपए की आमदनी होती होगी, और अगर इस पर हम 60 लाख मजीद लगा लेते हैं तो आपकी आमदनी बढ़कर 28 से 30 लाख हो जाएगी, और ये कंपनी के लिए एक अच्छा प्रॉफिट है। एक मिनट, एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि मेरी आमदनी 18 से 20 लाख रुपए? मेरी आमदनी तो बामुश्किल 3-4 लाख रुपए होती है बस। सर हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो इतनी होती है सर। सर कोई गड़बड़ है लगता है, आप ये देखें सर, मैंने कैलकुलेशन की थी, यही है। वैसे आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। कौन सी बात समझ नहीं आती? यही कि मेरे और ऐसिन का निकाह सबसे छुपा कैसे रह सकता है? जाहिर सी बात है, जब सारे मोहल्ले वाले आएंगे तो ये बात तो सबके सामने खुल जाएगी। हाँ तो खुल जाए, हमें क्या। तो फिर अम्मी आप ऐसिन को यकीन क्यों दिला रही थी कि हमारा निकाह सबसे छुपा रहेगा? भाई राज खुलता है तो खुल जाए, और सच पूछो तो मैं चाहती भी यही हूँ कि सबको पता चल जाए। बस एहसन को पता ना चले कि ये बात हमने सबको बताई है। अम्मी ये आप क्या बातें कर रही हैं? मैं आपके इस किस्म के प्लान्स में ना आपका साथ नहीं दूंगी। ठीक है, बकवास कर रही हो तुम। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल एहसन मेरे शोहर हो जाएंगे, मैं उनको किसी भी मुश्किल में या परेशानी में नहीं डालना चाहती। हाय हाय, देखो तो जरा, क्या ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, निकाह के वक्त तुम उससे अपने लिए घर मांग रही हो या नहीं, या सारी जिंदगी इस किराए के घर में रहती रहोगी? अम्मी मुझे ऐसे से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं शादी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखूंगी। तो मरी रहो इस किराए के घर में, लेकिन तुम्हें मेरी ये बातें ना बाद में जरूर याद आएंगी। पागल हो चुकी है बिल्कुल। उरू मेरी बच्ची, आई लव यू। तुम कहाँ चली गई थी? हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए बेटा। अब मिल गई खाला भी। हाँ बेटा। ये लोग कौन है? खाला भी ये अम्मा है और वो खादिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदी ये मेरे बेटे को रोड पर अकेली खड़े मिली थी। जी सही कह रही है, मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई थी। अल्लाह की कसम, हम इसे कहीं से जोर जबरदस्ती उठा के नहीं लाए, अब चाहे तो इनसे खुद पूछ लो। नहीं नहीं बहन, मैं ऐसा नहीं सोच रही, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ कैसे? यहाँ इसके दिन भर आए थे ना, इसलिए चेकअप के लिए लाए हैं इसे। अच्छा तो पहले चेकअप करवा लेते, फिर तसल्ली से बैठ के बातें करेंगे। ठीक है। I love you.